सत श्री अकाल डी फाइव चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का मैं धर्मिंदर संधू स्वागत करता है। दिल्ली के साबका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उत्ते हमला होने की खबर है तो दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी के उत्ते गंभीर इल्जाम लगाए। तो अगर भारतीय जनता पार्टी वालों ने अरविंद केजरीवाल जी का बाल भी बांका किया तो पूरी दिल्ली वाले भारतीय जनता पार्टी से बदला लेंगे। दिल्ली वालों को पता है कि हर बार जब अरविंद केजरीवाल जी पे हमला हुआ है, चाहे वो दिल्ली सचिवालय में हो चाहे वो मोती नगर में हो, हर बार हमला करने वाला भारतीय जनता पार्टी का निकला है और भारतीय जनता पार्टी फिर दिल्ली पुलिस को अपने कार्यकर्ताओं पर एक्शन नहीं लेने देती है, क्योंकि वरना दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये सारी साजिश भारतीय जनता पार्टी की थी। आज भी जब हमलावर पर जांच होगी, दिल्ली पुलिस की भी जांच में यही निकल कर आएगा कि हमला करने वाला भारतीय जनता पार्टी का वर्कर था। मैं चैलेंज करती हूं भारतीय जनता पार्टी को कि अगर हिम्मत है तो जांच करवा के दिखाओ, अगर हिम्मत है तो इस हमलावर पे सख्त से सख्त सजा करवाओ। लेकिन यह हिम्मत भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, क्योंकि यह हमला उन्हीं ने करवाया है। भारतीय जनता पार्टी वालों, चाहे अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करो, चाहे अपनी गंदी राजनीति से उनको हमला कराने की कोशिश करो, तुम अरविंद केजरीवाल को चुनाव में नहीं हरा पाओगे। दिल्ली वाले भारी बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी को ही वोट देंगे और अरविंद केजरीवाल जी को ही चौथी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसलिए ये गंदी राजनीति बंद करो। क्या हुआ मैम, हमला कैसे हुआ उसके बारे में कुछ डिटेल देंगे? क्या हुआ, उनको चोट भी आई है, वो लोग पुलिस तो उनके साथ रहती है, कैसे क्या हुआ? तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता पद यात्रा के दौरान जैसे लोग माला पहनाने आते हैं, माला पहनाने के नाम पर सामने आए और फिर अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ नारे लगाए और उन पर हमला किया। इस हमले में अरविंद केजरीवाल जी को कुछ भी हो सकता था। इस हमले में अगर बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं के पास हथियार होते तो अरविंद केजरीवाल जी की जान भी जा सकती थी। यह बिल्कुल साफ है कि यह हमला भारतीय जनता पार्टी द्वारा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं द्वारा केजरीवाल जी पर पहले भी हमले हुए हैं और एक बार भी दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करने वालों पर कोई एक्शन नहीं लिया। इस मामले को लेकर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी अपना प्रतिक्रम दिता है। आज अरविंद केजरीवाल जी विकासपुरी के अंदर पदयात्रा कर रहे थे और लोगों से मिल रहे थे। पिछले कुछ दिनों से अरविंद जी जब जब लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों का अपार प्यार मोहब्बत जो है अरविंद जी को मिल रही है। कल वो हमारे साथ खुद ही जो है कनॉट प्लेस के अंदर एक आइसक्रीम की दुकान पे चले गए, उसके बाद एक पान की दुकान पे चले गए और थोड़ी ही देर में काफ़ी सारे लोग, नौजवान बच्चे बच्चियाँ, बुज़ुर्ग, उनके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए, उनसे बात करने के लिए उनके पास आए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये किसी भी तरीके से जो है पच नहीं रहा है और आज भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हमला करने की कोशिश की है। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर कई बार हमला करके उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई। अरविंद जी जेल में थे तो तिहाड़ में उनकी इंसुलिन को बंद किया गया, कोशिश की गई कि उनकी किडनी खराब हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए और अब इस तरीके का हमला बहुत ज़्यादा कायराना है और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि अरविंद जी जब जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों का प्यार उन्हें मिल रहा है। हम ये बात साफ करना चाहते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल जी की जान पे कोई भी खतरा होता है, उनका कोई भी नुकसान होता है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है।
लगातार उनकी तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली के सबका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उत्ते पैदल यात्रा के दौरान हमला करने की कोशिश की गई है तो उन्होंने इस पूरे मामले की जांच की मांग भी की है। हुण देखना होगा कि आने वाले समय के बीजेपी ये उत्ते की प्रतिक्रम देती है तो यह मामला अगे जाके की मोड़ लेंदा है। निडर हाँ, निरपक्ष रहांगे, आजाद हाँ, सच कहांगे, गल करांगे सियासी हवा की, हुक्मरानां नूं होणगे सीधे सवाल, सब तो पहला पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर, हर मसले ते रहेगी तिखी नजर, दसांगे कौन कर रहा है किहदे ते जबर, विदेशां दे विच बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल, कैनेडा अमेरिका दी हर सियासी खबर लेके आवांगे तुहाडे वल, उभरांगे पंजाब दी आवाज बनके, हर मुद्दे ते होणगे रोज चर्चे, खोलांगे अंदरूनी राज, बणांगे बुलंद आवाज, खेड सिक्ख्या खेती दी बात पावांगे, हर पिंड हर शहर जावांगे, गायकां ते अदाकारां नाल करवावांगे मुलाकात ते कलाकारां दी जिंदगी ते मारांगे झात, अब धर्म धरोहर संस्कृति और सेहत की होगी बात, अब D5 चैनल हिंदी भी होगा साथ, की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार, की करदी है साडी सरकार, की है तुहाडी मुश्किल दा हल, D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल।